नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहाँ पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सके, कुछ नई जानकारी दे सके। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले येस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दो अपडेट के बारे में यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही साथ 16 एनालिस्ट की रेटिंग की अगर हम बात करें तो उनका क्या मानना है, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो भी चीज़ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, हमने इंस्टाग्राम पे अपना नया पेज बनाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड मीम्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहती हैं और साथ ही साथ जिनकी भी क्वेरी होती है तो आप देख सकते हैं DM में सबकी हेल्प करी जाती है। तो अगर आप इंस्टा पे नहीं फॉलो करते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमने नई सर्विस स्टार्ट करी, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डिटेल फिल कर दीजिए, हमारे टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। येस बैंक में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा, जिसमें पहली न्यूज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अभी एनालिस्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, अभी मार्केट ओपन होने से ही थोड़ी देर पहले आया है आर्टिकल, आर्टिकल ओपन होने के बाद ही। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो लगभग अगर हम देखें तो 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ येस बैंक की, तो उससे लगभग 50% नीचे है इस समय प्लस जो रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। इक्विटी प्राइस की अगर हम बात करें या शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं पिछले एक साल में, उसके बावजूद अगर पिछले एक साल के डाटा की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर और HNI का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल में तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल और खास करके पिछले दो क्वार्टर में अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर की इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आया। और इसका एक सीधा सा रीज़न यही है कि शेयर की अगर हम बात करें तो प्राइस बहुत नीचे है और लोगों को लगता है कि वापस से स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बोली जाती है कि सभी स्टॉक अपने हिस्ट्री रिपीट करते, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस में वापस जाते हैं और इसीलिए लोगों को मल्टी बैगर शेयर लग रहा है। बट यहाँ पर समझना होगा कि बैंक का शेयर और बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट पहले दिख जाते हैं, लॉस लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, लंबे टाइम में लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि जब डेप दिया जाता है वो अगर NPA घोषित होता है उन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है और इसी वजह से यहाँ पर लोगों से चूक हो जाती है एक अच्छा बैंक शेयर चुनने में। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर एनालिस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर लगभग 16 एनालिस्ट की रेटिंग येस बैंक पे जो है उसमें से 12 लोगों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेल की है और जो बाकी की 4 हैं उसमें भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो खाली होल्ड की रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर अपने आप में सोचने वाली बात होगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं तो आपको खुद डिसाइड करना होगा ये आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक अच्छी न्यूज़ देगी, किसी ने बोल दिया इतना टारगेट जाएगा तो आपने तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब दूसरी न्यूज़ की तरफ अगर हम बात करें तो वो राणा कपूर से रिलेटेड है। यहाँ पर कल के आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इसमें भी जो बताया गया है कि कैसे इसमें फ्रॉड हुआ था, तो यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट की अगर बात करें, पर्सनल फेवर की बात करें, तो राणा कपूर ने जो 1,000 करोड़ का यहाँ पर लोन पास करा था अगर हम बात करें वाडवांस ब्रदर्स को, तो सॉरी, तो यहाँ पर जो लोन पास करा गया था 1,000 करोड़ का, उसमें अगर हम बात करें ट्रेजरी और रिस्क डिपार्टमेंट से चेतावनी भी दी गई थी कि यहाँ पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं होगा, उसको नज़रअंदाज करते हुए भी राणा कपूर ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी। और साथ ही साथ इसके बाद भी जो उनकी मसाला कंपनी थी उसमें भी लगभग 300 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया, दूसरा लोन और पास किया गया। और इसी की वजह से चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये चीज़ समझ में आ चुकी थी रिस्क कंपनी, रिस्क डिपार्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कि ये लोन रिकवरी होने के चांसेस कम रहेंगे और इसीलिए चेतावनी दी गई थी। बट क्योंकि उनका अपना पर्सनल फेवर था, पर्सनल इंटरेस्ट था और इसी की वजह से इन्होंने ऐसा करा और जिसके वजह से येस बैंक की कंडीशन आपको ही पता है आज कैसी हो गई है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा, लॉन्ग टर्म मेरा 2 से 3 साल का मतलब है, उससे नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस स्टॉक को अवॉइड करिएगा, इससे बेटर स्टॉक आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे रिटर्न कमाने के लिए, वो भी बहुत कम रिस्क के साथ। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।